नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। अब तकलीफ ये हो रही है कि हर रोज़ जबरन कोरोना वायरस, कोरोना कोविड-19, कोविड सार्स टू वायरस के बारे में बार 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 बात करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं DRV न्यूज़, इस शो का नाम है इनसाइट विद RKB। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, मतलब RKB, बाबा जी का ज्ञान यानी RKB का ज्ञान। काश मेरे पास कुछ ज्ञान होता आपकी नॉलेज बढ़ाने का, आपकी जानकारी बढ़ाने का, आपको ईश्वर के ज़्यादा समीप पहुंचाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? जहां देखो कोरोना का रोना, जहां देखो हर कोई सिर्फ कोरोना की बात कर रहा है। शाम को थोड़ी देर के लिए IPL की बात होती है, लेकिन वो भी आजकल ज्यादा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक कि कोरोना का सवाल है, मुंबई शहर में थर्सडे को 7410 केसेस रिकॉर्ड हुए, 7410 केसेस, विच मीन्स वी आर स्टिल स्टिकिंग टू अराउंड 7500 केसेस एवरी डे। महाराष्ट्र में 67,000 केसेस, ना दैट्स नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, राइटफुली स्पीकिंग द मैनर इन विच कोरोना केसेस आर गोइंग एंड ग्रोइंग ऑल ओवर द कंट्री, और जिस तरीके से महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है हर जगह पे, ये केस तो 1,00,000 पहुंचने चाहिए थे भाई। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आप सब लोगों को मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुंबई में 7 से 7,500 तक ही सीमित रह गए हैं केसेस हर रोज के, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम, ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम, 95% ऐसे हैं जिनको घर में ही ट्रीटमेंट मिल जाती है और घर में उनका इलाज होके वो ठीक हो सकते हैं। एंड शैल आई टेल यू व्हाई अगेन, बिकॉज इन महाराष्ट्र वी आर ऑनेस्ट पीपल। हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, हमारी जो सारी संस्थाएं हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब लोग करेक्टली रिपोर्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता है, यहाँ पर कोई भाषण नहीं देता है, क्योंकि भाषण से राशन नहीं मिलता, याद रख लीजिए। ना लेट मी आस्क यू, मैं आप सब लोगों से यह सवाल पूछना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र को लेकर के लोग इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं, उछलिए कूदिए, बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में इतना ज्यादा चिंतित हैं, थैंक यू सो मच, वी फील रियली लव्ड। लेकिन उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ, ना जाने कितने लाख लोगों ने शाही स्नान किया, 30 से 35 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने शाही स्नान किया, बगैर नकाब के, बगैर शारीरिक दूरी रखे हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार दिल्ली में निज़ामुद्दीन मरकज़ के पास जिस प्रकार तबलीगी जमात के ऊपर आप सब लोगों ने हमला किया था, अटैक किया था, ये कहा था कि ये इन लोगों की साजिश है, इन लोगों की साजिश, इस शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? जो आपके कॉरपोरेट मेनस्ट्रीम चैनल्स जो हैं, इन सब लोगों ने तकरीबन हर मुसलमान के ऊपर आपने उंगली उठाई थी कि देखिए दाढ़ी वाले, टोपी वाले, आज आप चुप क्यों हैं? आज आप लोगों ने जो हरिद्वार में जिन लोगों ने डुबकी लगाई और वहां से अपने अपने स्टेट्स को सब लोग वापस चले गए, उन लोगों के बारे में आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या गंगा मैया के पानी से, गंगा जल से सब कुछ ठीक हो जाता है, कोविड नहीं आता है? कोविड का इलाज है गंगा जल। और भाई देवी, ये भी आपको बता दूं कि जहां तक हरिद्वार का प्रश्न है और हरिद्वार के आगे का प्रश्न है, वहां पर गंगा जल है भी या नहीं है ये भी मालूम नहीं है लोगों को, कौन सा पानी है वो, उस विषय के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जब गंगा क्लीनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे
कि गंगा को किस प्रकार निर्मल बनाना है, गंगा को किस प्रकार पवित्र बनाना है, गंगा का जो जल है बिल्कुल पीने लायक हो जाए, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये सवाल है, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने यूट्यूब वीडियोस बनाए, लाखों की तादाद में व्यूअर्स इकट्ठे किए, ना जाने कितने पैसे कमाए, एक कौम को अटैक करके, माइनॉरिटी को अटैक करके, आज वो लोग चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आप शोर मचा रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, जैसे कि आप निजामुद्दीन मरकज पर, तबलीगी जमात के ऊपर चीख रहे थे, आज आप कुंभ के ऊपर क्यों नहीं चीख रहे? किसने परमिशन दी, किसने इजाजत दी, किसने ये कहा कि आप कुंभ में डुबकी लगाइए कुछ नहीं होगा, भगवान सब देख लेंगे, आज आप लोग चुप क्यों हैं? Has anyone done an empirical study on what happened after these people had had their Shahi Snan, their purification bath, and after they left for home? किसी ने कोई स्टडी करी? ये लोग जो कुंभ में गए थे, पूरे हिंदुस्तान से आए थे, क्या इनको कहीं रोका गया? Were they traced? इनको कहीं जेल में डाला? इन लोगों के खिलाफ क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? मैं जानना चाह रहा हूं, हो सकता है कि मैं बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं, आखिरकार कोरोना तो कोरोना है, कोविड तो कोविड है, उसको टोपी वाला, दाढ़ी वाला स्प्रेड करे या बोदी वाला स्प्रेड करे, टीके वाला स्प्रेड करे, स्प्रेड तो हो रही है। ये विनती है मेरी सरकार से, एटलीस्ट फेयर तो रहिए, इंसाफ तो कीजिए। मान लीजिए जो लाखों की तादाद में भीड़ थी हरिद्वार पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एडिटर इस वक्त असल में वो भीड़ लगाएंगे और जो नॉर्मली जो फुटेज लगा देते हैं वो नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते, मुसलमान होते, सिख होते, बौद्ध होते, जैन होते, तो फिर ये लोग क्या करते? हमारे जो चैनल वाले हैं क्या करते उस वक्त? क्या इसी तरह चुप्पी साधते? जब सिखों ने फार्मर्स एजिटेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया तब आपने उनको खालिस्तानी बना दिया। तबलीगी जमात के लोग निजामुद्दीन मरकज में जब इन्वॉल्व थे और वहां पर भी पूरी परमिशन लेकर के, इजाजत लेकर के, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की इजाजत लेकर के वहां पर मरकज था, तब आपने उनको आतंकवादी बना दिया। और ये लोग क्या हैं जो कुंभ में गए थे? हर जगह से गए, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरल से, बंगाल से, हर जगह से। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई तबलीगी जमात वर्सेस वो क्या है उसको क्या बोलेंगे, संघ या तबलीगी संघ वर्सेस सम जमात, जो भी है। जहां तक के चुनावों का प्रश्न है, वेस्ट बंगाल का प्रश्न है, असम का प्रश्न है, पुडुचेरी का प्रश्न है, तमिलनाडु और केरल का प्रश्न है, यहां पर आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, किसको ठहराएंगे कि जिम्मेवारी आपकी है? आपने यहां पे मीटिंग्स ली, सब लोगों ने ली, जैसे पिछली मर्तबा शनिवार के रोज हम लोगों ने यहीं पर डिस्कशन किया था, लाखों की तादाद में भीड़ आई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें सम्मिलित थी, हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं आ जाएं, लाखों की भीड़ एकत्रित की गई चुनाव में। उसका क्या इफेक्ट हुआ? उससे कोविड कितना बड़ा? क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रहे?
चुपचाप क्यों बैठे हैं, कौन हैं वो लोग, क्या वो भी सुपर स्प्रेडर हैं? जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज करी, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? और यहां पर मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी की बात कर रहा हूं। जैसा पिछली बार यहीं पर डिस्कशन हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे राजनीतिज्ञ जितने हैं वो बिल्कुल बेशर्म हैं। जिस बेशर्मी से उन लोगों ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के वक्त इतनी चुनावी रैलीज करी, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसा कि अनिल अंबानी साहब के साहेबजादे ने कहा, जब आपका काम होता है तो सब ठीक है, जब हमारा काम होता है तो लॉकडाउन है। चुनाव के लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? जितनी भी सरकारें थीं उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती थी, 6 महीने और बढ़ा देते, 1 साल और बढ़ा देते, क्या फर्क पड़ने वाला था किसी को? लेकिन सत्ता की भूख हर एक को थी। आपको कहीं सरकारें गिरानी थीं, कहीं सरकारें बनानी थीं, कहीं पर आपको अपनी जमीन तैयार करनी थी कि 5 साल के बाद हम लोग यहां पर जीत के आएंगे। और यहां पर इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। पैंडेमिक के वक्त, एपिडेमिक के वक्त, कोरोना वायरस के वक्त आपने चुनाव अलाउ कर दिए, इजाजत दे दी आपने, आपने डेट्स बना दी। 8 फेजेस इलेक्शन इन 8 फेजेस इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में इलेक्शन। आप क्या समझते हैं कि चुनाव का नाम सुनते ही कोरोना वायरस ये तय करेगा भैया चुनाव हो रहा है, यहां पर मैं किसी को इन्फेक्ट नहीं करूंगा, मैं इन्फेक्ट वहीं करूंगा जहां पर चुनाव नहीं है, और जहां पर कुंभ है वहां पर भी इन्फेक्ट नहीं करूंगा, वहां पर भी किसी को कोरोना नहीं होगा। कोरोना कहां होगा? जहां पर ना कुंभ है ना चुनावी रैली है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और कोई नहीं हो सकती। मैं जवाब मांग रहा हूं लोगों से, बाकी चैनल कोई जवाब नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ एक ऐसा सवाल पूछ देंगे, सामने के प्रवक्ता कुछ और बोल देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी, और उसके बाद एक अजीबो गरीब सी समीक्षा करके जितने भी एंकर हैं अपना प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। मरकज के खिलाफ, निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ तबलीगी जमात को आपने तकरीबन आतंकवादी बुला दिया था। जितने लोग कुंभ में गए वो कौन है? अगर वो आतंकवादी हैं तो ये कौन है? और चुनाव में जितने लोगों ने हिस्सा लिया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्राउड इकट्ठे किए, भीड़ इकट्ठी की, उनको आप क्या बुलाएंगे? फार्मर्स एजिटेशन में जितने लोग थे उन लोगों को आपने एंटी नेशनल बुलाया, खालिस्तानी बुलाया, इन लोगों को आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं बुलाया, बताइए? सवाल है, मैं पूछ रहा हूं। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आता, जवाब का सवाल नहीं, सवाल का जवाब, जब तक इस सवाल का, प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि यह प्रश्न हमें पूछना चाहिए और बार बार पूछना चाहिए। अगर देश के हित में आप काम कर रहे हैं तो आपने चुनावी रैली क्यों करी? अगर देश के हित में आप काम कर रहे हैं तो कुंभ की इजाजत आपने क्यों दी? और अगर दी है तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस प्रकार आपने निजामुद्दीन मरकज यानी तबलीगी जमात को और फार्मर्स एजिटेशन में जिन फार्मर्स ने, किसानों ने हिस्सा लिया, उनको एंटी नेशनल बुलाया, यहां पर वही संज्ञा आप इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे? फिलहाल इसी सवाल के साथ, इसी प्रश्न के साथ यहां पर मैं अपना शो समाप्त करता हूं फिलहाल के लिए। हम मिलेंगे कल एक बार फिर यहीं पर RKB के ज्ञान के साथ, यानि बाबा RKB का ज्ञान, उसके साथ आपको मिलेंगे यहीं पर। कहाँ पर? DRV न्यूज़ पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो, और अगर नहीं करते तो आपकी मर्जी। देश आपका है, देश हित आपका है, दिमाग आपका है, मर्जी आपकी है। हम तो सिर्फ सच बताते हैं, सच आपके सामने लाते हैं, इसलिए सत्य के साथ हमेशा हैं। फिलहाल दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स
इनसाइट विद आरकेबी ऑन डीआरवी न्यूज। नमस्कार और जय भवानी।